बरी होने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाया और मुबारकबाद दी। अल्लाह ने बहुत करम किया, बड़ी इज्जत दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ भी जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। तो आज एक अहम दिन है शरीफ फैमिली के लिए। मरियम नवाज ने अपने चाचा पार्टी सदर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है कि इसे बरियत होने के बाद उन्होंने अपने चाचा को गले लगाया। चाचा ने भी मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हुए मरियम नवाज को थपकी दी और गले से लगाया। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जब आज अदालत में पेश हुई और उनकी बरियत के फैसले के बाद वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी रहायशगाह पर पहुंची और वहां पर शहबाज शरीफ ने दीगर जो पार्टी रहनुमा थे उनकी मौजूदगी में आगे बढ़ के मरियम नवाज को खुश आमदीद कहा और उन्हें फिर गले लगाया और उनको मुबारकबाद दी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और खुदा ने बड़ी इज्जत दी है और उन्होंने नेक ख्वाहिशात के साथ इस बात का इजहार भी किया कि बहुत जल्द मरियम नवाज के वालिद यानी कि उनके अब्बू जो हैं वो जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। तो इस हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी उन्होंने किया और फिर इस जो वीडियो जारी की गई है ऐवान वज़ीर आज़म की जानिब ऑफिस की जानिब से उसमें दिखाया जा सकता है कि दीगर जो रहनुमा है जिसमें अता तारड़, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया मरियम नवाज का और उन्हें फिर मुबारकबाद दी। आज बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया।